भिलाई में इस्पात संयंत्र के श्रमिक नेता पर चलती गाड़ी से कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। बाइक से ड्यूटी जा रहे सीटू ठेका यूनियन के महासचिव योगेश सोनी पर सेक्टर 5 के पास हमला हुआ। अचानक हुए इस हमले की वजह से वे रास्ते में ही गिर गए। इसके बाद हमलावर उन्हें मरा हुआ समझकर भाग निकले। वहां से गुजर रहे लोगों ने सोनी को सेक्टर 9 अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि योगेश सोनी ठेकेदार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा था, इसीलिए आशंका जताई जा रही कि इसी कारण उन पर हमला किया होगा। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।